हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर टू साइड्स। ठीक है ना, देखिए एक राइट ट्रायंगल है, आपको पता ही होगा राइट ट्रायंगल यानी क्या, यहाँ पास 90 डिग्री होगा, इसको बोलते हैं बेस, ठीक, इसको बोलते हैं हाइट या फिर एल्टीट्यूड, जो भी बोलना चाहिए दो ठो बोलते हैं, ठीक है ना, एल्टीट्यूड या हाइट। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है ना, हाइपोटेनस पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है ना, जो कि हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो है 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हाइट, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, बहुत सारा नाम है, ठीक है ना, जैसा जैसा कंडीशन रहता है उस हिसाब से इसको नाम दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है ना, देखिए कुल मिला है कि जो एल्टीट्यूड का यानी उसका जो हाइट है उसका कंपेरिजन इसके बेस से कर रहा है, इस ट्रायंगल के बेस से कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम मान ले कि इसका जो बेस है वो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर, तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर से 7 कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो एल्टीट्यूड है इस राइट ट्रायंगल का वो उसके बेस से, ठीक है ना, बेस अगर उसका 7 सेंटीमीटर है तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है ना, कम होगा यानी x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा समझिए, अगर आप लेट कर लेंगे, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी 1 सेंटीमीटर, अच्छा समझिएगा, ठीक है ना, अगर आप लेट कर लिए कि इस राइट ट्रायंगल का बेस 1 सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड जो है वो ऑटोमेटिक x माइनस 7 हो जाए, क्योंकि जो एल्टीट्यूड है, ठीक है ना, वो 7 सेंटीमीटर लेस है, लेस यानी कम है इसके बेस से, इसके बेस से कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना, x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है ना। Then the altitude is 1 माइनस 7। अच्छा समझिएगा, हमने बेस को लेट किया है कि 1 सेंटीमीटर है, अगर 1 सेंटीमीटर बेस होगा तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए यहां पास इसका जो हाइपोटेनस है, ठीक है ना, वो गिवन में दिया है, ठीक है ना, गिवन क्या दिया है, गिवन में हाइपोटेनस इक्वल टू यानी एच इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हम ये जानते हैं एज वी नो दैट, हम कहा जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी राइट ट्रायंगल हो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है ना, ये मान लीजिए एच जो है वो हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एच बन दो, इसका स्क्वायर वो हो जाएगा इसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर और इसके बेस के स्क्वायर के सम के साथ इक्वल होता है, ठीक है ना, यानी आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर यानी एच यानी हाइपोटेनस रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले मैं बताया था जो कि है 13 सेंटीमीटर और ये गिवन डाटा है, ठीक है ना, इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक, एच जो है हाइपोटेनस है, एल्टीट्यूड यानी ये जो इसका जो हाइट होता है ना उसको, ठीक है ना, हाँ बस हाइट ना लिख के एल्टीट्यूड बोला है, बात एक ही है, ठीक है ना,
बेस तो बेस है ये 1 सेंटीमीटर का, एच कितना है 13 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 स्क्वायर, बेस हमने क्या लिख किया है x, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर देंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसको फैक्टराइज कर देंगे तो हमारा बेस और एल्टीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर होता है 169। अब ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसको a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसी फॉर्मूले पर इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास हो जाएगा x स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 14x, इसके बाद हो जाएगा माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाता है प्लस 49, ठीक है ना, प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना, एक्स की पावर 2 है, ठीक है ना, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 14x प्लस 49, ठीक। ये जो 169 है इसको उधर साइड शिफ्ट करते हैं, यहाँ पास हो जाएगा 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, ठीक। 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इसको सॉल्व करते हैं माइनस 120 आएगा, ठीक है ना, यही आ रहा चाहिए जहां तक उम्मीद है हमको, क्योंकि यही आएगा, ठीक है ना, आएगा यही, ठीक है ना। अब इस चीज को यहां पास लिख के फैक्टराइज कर देते हैं ना, यहां पास 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, 2 कॉमन ले लेंगे 0 इक्वल टू, 2 कॉमन लेके डायरेक्ट एक स्टेप में कट कर रहा हूं, चलिए कट नहीं करता हूं क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, 2 कॉमन ले लिया मैं, बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 14x, तो यहाँ पास हो जाएगा 7x, ठीक, फिर यहाँ पास हो जाएगा 60, ठीक है ना, माइनस 60, ठीक है ना, 2 को इधर साइड शिफ्ट कर दूंगा तो 0 से डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, वो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब तो फैक्टराइज करते हैं 0 इक्वल टू माइनस 7x को इस तरह से ब्रेक करना है कि एक्स स्क्वायर और माइनस 60 का जो मल्टीपल है उसके साथ इक्वल हो जाए, ठीक है ना, जैसे आप मैं आपको करके दिखा रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, ठीक। यहां पास इसको जब आप सॉल्व करेंगे माइनस 12x प्लस 5x ये आएगा माइनस 7x, ठीक है ना, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 60x स्क्वायर, ठीक है ना, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पास x स्क्वायर और माइनस 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस 60x स्क्वायर दिया है, ठीक है ना, मतलब हमने सही किया है। अब यहाँ पास कॉमन ले लेते हैं इसमें से और इसमें से, यहाँ पास हमको x कॉमन दिख रहा है x इक्वल टू सॉरी x माइनस 1 एक्स माइनस 1 नहीं एक्स माइनस 12, ठीक है, एक्स कॉमन लिया तो बचा एक्स माइनस 12, यहाँ पास हमको 5 कॉमन दिख रहा है एक्स माइनस 12 बचेगा, ठीक, इन दोनों में हमको एक्स माइनस 12 कॉमन दिख रहा है, अंदर बचेगा एक्स प्लस 5, ठीक है ना, अलग अलग कर लेते हैं, एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 12 प्लस के साथ है एक्स इक्वल टू माइनस 5, एक्स इक्वल टू माइनस 5। तो आपको बता देता हूं हाइट एल्टीट्यूड चाहे हाइपोटेनस लेंथ ब्रेथ जो भी हो ये निगेटिव में नहीं होता है, ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो जो पॉजिटिव वाला है उसी को लेना है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू आ गया 12, यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारा बेस है वो कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक।
अगर बेस आपका 12 सेंटीमीटर है, अच्छा समझिएगा ठीक है ना, बेस आपका जो एक्स है ठीक है ना, वो 12 सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड आपका हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक, यहां पास बेस आपका आया 5 सेंटीमीटर तो एल्टीट्यूड आ जाएगा एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर ना, शायद आपको ना दिख रहा होगा एल्टीट्यूड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वाला लेना है, एक्स इक्वल टू 12 आया है और यहाँ पास हमने माना है कि बेस ऑफ राइट ट्रायंगल भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एक्स का वैल्यू कितना आया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो एल्टीट्यूड आ जाएगा 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आप हेंस करके आप लिख लीजिएगा, स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।